मेरी इस वाली वीडियो पे 1.5 लाख व्यूज है और इस पे भी लगभग 1.5 लाख होने वाले हैं। और लोगों का मुझसे ये सवाल रहता है कि आखिर मैं कितने पैसे कमाता हूँ इन वीडियोस से। और मोटा मोटी लोगों को यही जानना होता है कि आखिर यूट्यूब कितने पैसे देता है लाख व्यूज पे, 1 मिलियन व्यूज पे। जितना मुझे पैसा मिलता है उतना आशीष चंचलानी को नहीं मिलता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने मुझे 1 लाख व्यूज पे पैसे मिलते हैं उतने आशीष चंचलानी को 1 लाख व्यूज पे कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों है ये मैं आपको आज समझाने तो वाला हूँ ही, साथ ही साथ मैं आपको अपने डैशबोर्ड में भी ले चलूंगा यूट्यूब के, ताकि आप भी देख पाओ कि कौन सी वीडियो से कितने पैसे बनते हैं और क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे ये डिटरमाइन होता है कि एक क्रिएटर को एक पर्टिकुलर वीडियो पे कितने पैसे मिलेंगे। तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे मेरे चैनल का डैशबोर्ड ओपन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 28 दिनों में कितने व्यूज, कितने वॉच टाइम और कितनी एस्टिमेटेड रेवेन्यू है। तो जो इस वीडियो का टॉपिक था पहले उसको एड्रेस करते हैं कि आखिर मेरे वीडियो जिस पे 1.5 लाख व्यूज आए उस पे मुझे कितने पैसे मिले हैं। ओके, सो ये वो वीडियो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 लाख व्यूज यहाँ पे आ रखे हैं। तो मैं इसके एनालिटिक्स पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे 1.5 लाख जितने व्यूज है, 7,500 का यहाँ पे वॉच टाइम है। मुझे आप में से 2,000 लोगों ने लगभग सब्सक्राइब करा है इसी वीडियो को देख के। एंड अब अगर रेवेन्यू की बात करें तो वो है $237। इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो मैंने कमाए हैं लगभग 19,720 रुपए। दूसरी वीडियो है ये वाली, यहाँ से आप में से 530 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करा है। इसमें आप देख सकते हैं व्यूज कम है, वहाँ पे 152,000 व्यूज थे, यहाँ पे 143,000 व्यूज है। तो एस्टिमेटेड रेवेन्यू इसका कम होना चाहिए, नहीं, यहाँ से मैंने कमाए हैं $275, जो कि जिसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो जाता है 22,881। लेकिन तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि इस पे व्यूज कम थे लेकिन मैंने पैसे इसमें ज्यादा बनाए? इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा RPM और CPM का। देखिए, कोई भी यूट्यूब वीडियो पैसे तब बनाती है जब उस वीडियो से पहले एक ऐड चलती है जिनको व्यूअर्स देखते हैं। तो अगर मेरी एक वीडियो से पहले ऐड चली है, आपने देखा, तो मुझे फिर पैसे मिले। एडवर्टाइजर YouTube को पैसे देते हैं एंड फिर YouTube वहां से हमें पैसे देता है, और इसमें जो है YouTube एक कमीशन भी रखता है। तो जो पैसे एडवर्टाइजर्स YouTube को दे रहे हैं उसे कहते हैं CPM, यानी कि कॉस्ट पर माइल, यानी कि हर 1,000 व्यूज के एक ब्रांड YouTube को कितने पैसे दे रहा है। YouTube अपना 45% कमीशन रखता है और 55% जो बचता है वो हमारा होता है, जिसे कहते हैं RPM, यानी कि रेट पर माइल, यानी हर 1,000 व्यूज का मुझे कितना मिल रहा है। तो ये जो RPM होता है ये बहुत ज़्यादा वैरी करता है फ्रॉम नीच टू नीच, वीडियो टू वीडियो। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि 1.5 लाख व्यूज के मुझे 22,000 रुपये मिले हैं, आपको ये जान के हैरानी होगी कि आशीष चंचलानी को 22,000 रुपये मिलेंगे जब आशीष चंचलानी के वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज आएंगे। जी हाँ, जो चीज मुझे 1.5 लाख व्यूज पे मिल रही है, आशीष चंचलानी को उसके लिए 1 मिलियन क्रॉस करना पड़ेगा। अब ये इसीलिए होता है कि जब कोई एडवर्टाइजर यूट्यूब पे या गूगल पे एडवर्टाइज करता है, उन्हें एक स्पेसिफिक, एक नीश ऑडियंस की जरूरत होती है। अब आशीष चंचलानी या फिर कैरी मिनाटी या फिर इवन टी सीरीज, ये एक ऐसी ऑडियंस को अपील करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जेनेरिक है, उनको सब देखते हैं, वो एक मासी ऑडियंस है। तो जो एडवर्टाइज़र है उसके पास बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं किन तक पहुंच रहा हूं। अगर कंपनी को सिर्फ 18 से 25 साल के बच्चे चाहिए होंगे तो उसे गारंटी नहीं है इस बात की कि अगर वो आशीष चंचलानी के वीडियो से पहले अपनी एड रन करेगा तो उसे वो लोग पक्के से मिलेंगे, क्योंकि उसके साथ साथ उसको बुढ़े भी मिल जाएंगे, छोटे बच्चे भी मिल जाएंगे, अंकल आंटियां भी मिल जाएंगी, जो कि उनकी टारगेट ऑडियंस नहीं है। लेकिन अब क्योंकि हमारे चैनल पे बिजनेस, फ्रीलांसिंग, मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस आते हैं, तो एडवर्टाइजर को और इवन यूट्यूब को एकदम क्लियर आइडिया है कि इस वीडियो को कौन देख रहा है। तो जो एडवर्टाइजर है उसका कन्वर्जन जो होता है ना, बहुत ज्यादा हाई होगा। यानी कि अगर वो 1,000 बंदों को अपनी एड दिखा रहा है तो उन 1,000 बंदों में से जितने लोग उस चीज को पोटेंशियली खरीदेंगे, उनके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, वो बहुत ज्यादा हाई होगा अगर वो सेम एड्स आशीष चंचलानी के सामने दिखाई जाए। अब जैसे ये वाली एक वीडियो है जहां पे मैंने प्रूफ रीडिंग फ्रीलांसिंग के बारे में बात की थी, इसमें 1 लाख व्यूज है एंड इसकी वजह से मुझे $150 मिला, यानी कि लगभग आप पकड़ सकते हैं 12,000 रुपए। अब अगर मैं एक ऐसी कंपनी हूं जो कि प्रूफ रीडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो मैं इस वीडियो के सामने अपनी ज्यादा एड्स चलवाना चाहूँ, क्योंकि मैं जानता हूं अगर कोई इस वीडियो पे आया है तो वो प्रूफ रीडिंग में इंटरेस्ट रखता है। लेकिन अगर मैं कैरी मिनाटी के वीडियो से पहले अपनी एड चलवाऊंगा प्रूफ रीडिंग वाली, तो देयर इज नो वे मुझे कुछ कन्वर्जन मिलेगा, मेरी कुछ भी सेल्स होंगी। तो जब एक आपको टारगेटेड ऑडियंस मिल जाती है तो आपका कन्वर्जन रेट हाई होता है। अब जब आपका कन्वर्जन इतना हाई हो रहा है तो आप ज्यादा पैसे देने को राजी भी हो जाओगे, इसलिए जब आपको गूगल हाई चार्ज करता है आप माइंड नहीं करते हो एंड आप ज्यादा पैसे देने को
तैयार हो जाते हो एंड ऐसे में YouTube को अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं और फिर कट कुट के हमारे क्रिएटर्स को ज्यादा अच्छे पैसे मिल जाते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि जो फाइनेंस क्रिएटर्स होते हैं, बिजनेस क्रिएटर्स होते हैं, उनके भले ही वीडियोस पे व्यूज कम आए लेकिन वो कमाते बहुत ज्यादा हैं। अब जरा ये बात कर लेते हैं कि आखिर मैंने कितना कमाया है YouTube से अब तक सारी वीडियोस को मिला के। अभी मैं डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब तक इस चैनल ने इन टोटल 6.5 लाख जितने व्यूज लिए हैं, 19,000 का वॉच टाइम है और 6,500 के सब्सक्राइबर्स हैं और एस्टिमेटेड रेवेन्यू है 1,062। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता चलता है कि मैंने अब तक इस चैनल से 88,000 कमाए हैं। देख सकते हैं आप, चैनल की शुरुआत हुई थी 25 जून के आसपास, लेकिन जो चैनल ने कमाना शुरू किया था वो किया था लगभग अप्रैल, मिड अप्रैल के टाइम पे। कंसिस्टेंटली ये चल रहा था एंड एक दिन एकदम से एक वीडियो पे जो है बहुत सारे व्यूज आने लग गए, $4 बन गए, अगले दिन उसके $5.50 बन गए। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 वीडियोस अपलोड करी, फिर वापस मैं गायब हो गया था। आप लोग की शिकायतें भी काफ़ी रहती थी इसके रिगार्डिंग। फिर वही व्यूज़ धीरे धीरे गिरने लगे और फिर अभी हाल ही में जो है हमने वीडियोज़ डालनी स्टार्ट करी है तो अभी व्यूज़ बढ़ रहे हैं। ये तो लाइफ टाइम का, अगर हम देखें कि हमने पिछले 365 दिन में कितना कमाया है तो लगभग $225 के अराउंड, पिछले 90 दिन में चेक करें तो लगभग $37 और 28 दिन में चेक करें तो $14 और पिछले 7 दिन का चेक करें तो $5। अब इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मुझे नहीं लगता और कोई क्रिएटर होगा जहाँ पे आपको वो 7 दिन 28 दिन सबके नंबर्स बता रहा है। यहाँ पे हम रेवेन्यू वाले पे आ चुके हैं तो हम अपना RPM भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 7 दिनों में मेरा RPM रहा है $1, यानी कि हर 1,000 व्यूज़ पे मुझे $1 मिला है। आशीष चंचलानी को हर 1,000 व्यूज पे 20 सेंट्स, $0.20 मिलते हैं हर 1,000 व्यूज पे। वही अगर हम चेक करें कि पिछले 28 दिनों में क्या RPM था तो $1.20 थे, पिछले 90 दिनों में 1.5। पहले जो है RPM हाई रहता था, अभी मेरा RPM क्यों गिरा है इसका कारण भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, और पहले उससे भी ज्यादा 1.69 हुआ करता था। यहाँ पे हमारे सामने टॉप अर्निंग वाली वीडियो की पूरी लिस्ट आ चुकी है जहाँ पे पहले नंबर पे आता है ये वाली वीडियो जिसपे भले ही व्यूज कम थे, लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि इस पे भले ही 1.5 लाख से कम व्यूज थे, इस पे 1.5 लाख व्यूज थे फिर भी पैसे इसने ज्यादा बनाए। उसका एक कारण ये भी है, इस पे एस्टिमेटेड मोनेटाइज्ड प्लेबैक्स ज्यादा है क्योंकि मैंने इसमें ज्यादा एड्स डाले थे, इसमें मैंने कम एड्स डाले थे, लेकिन मुझे लगा था कि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो मैंने इसमें एड्स कम प्लेस किए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे मोनेटाइज्ड प्लेबैक कम है कंपैरेटिवली। ये आप देख सकते हैं ये वाली वीडियो, इस पे जो है 4,000 व्यूज ही हैं सिर्फ, लेकिन इसने फिर भी $21 कमाया है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ का RPM है $9.29 हर 1,000 व्यूज के मिलते हैं। यहाँ पे भी $8.20, ये पार्क डोमेन बिजनेस के अराउंड मैंने वीडियो, इस पे $10 मिल रहे थे, अगेन डोमेन के अराउंड वीडियो बनी हुई थी। तो कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको ये पहचानना पड़ेगा, मैं भी धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि जिनके अराउंड आपको RPM बहुत ज़्यादा हाई होता है। मेरे लिए वो हो चुकी है डोमेन्स, जैसे यहाँ पे $8 मैंने होस्टिंग के ऊपर वीडियो बनाई थी और इसीलिए चैनल पे इनिशियली जो है RPM हाई रहता था क्योंकि तब मैं बहुत ज़्यादा नीच टॉपिक्स जैसे कि डोमेन, वेबसाइट, फ्रीलांसिंग की बात करता था, तो वहाँ पे नीच टॉपिक था इसलिए मुझे RPM हाई मिलता था। लेकिन नीच होने का एक नुकसान ये भी है कि यहाँ पे आपको रीच उतनी नहीं मिलती। अब क्योंकि ये नीश है तो बहुत कम लोग उसे देखते हैं और धीरे धीरे मैंने अपना जो पोर्टफोलियो है वो एक्सपैंड करा, मैंने बिजनेस मार्केटिंग के बारे में वीडियोस बनाए तो मुझे जो पहले RPM मिलता था उसे कंपैरिजन में कम RPM अब मिलने लग गया। तो ये भी चीज़ें जो है काम करती है यहाँ पे, इसका भी फर्क पड़ता है आपके RPM पे, आपकी रेवेन्यू पे। एक और तरीका जहाँ से यूट्यूबर्स क्रिएटर्स पैसे कमाते हैं वो है अपने कोर्सेज बेच के, एंड इसी के सिलसिले में मैं वेबसाइट्स बनाने के लिए एक अच्छी होस्टिंग प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था एंड मेरे नज़र में एक आई जो कि ₹30 पर मंथ के हिसाब से वेबसाइट होस्टिंग बेच रही थी एंड कुछ ज़्यादा ही बुरा हो गया मेरे साथ, मुझे शायद नहीं खरीदना चाहिए था वो होस्टिंग। एंड मेरा पूरा एक्सपीरियंस आप यहाँ चेक कर सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि कौन सी होस्टिंग आपको नहीं खरीदनी है।